हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? आप सभी लोग, आज हम अपनी एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। और 10th क्लास में जैसे आपको पता है कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उनका नाम क्या था, वो हमने स्टार्ट कर रखा था लाइट। और उस चैप्टर के अंदर हमने की पढ़नी स्टार्ट की थी रिफ्रैक्शन। तो आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, बेंडिंग ऑफ यहाँ पे इस टॉपिक को हम बोलेंगे रूल, बेंडिंग ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन में जो तो लाइट की बेंडिंग होती है उसके रूल्स पढ़ेंगे और ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दो रूल है बेटा, या दो केस बोल सकते हो आप। वो केस कौन से हैं? इस साइड मीडियम वन, इधर मीडियम टू होता था। अगर इधर हमारा जो मीडियम हो रेरर है और इधर है डेंसर, और सेकंड केस बन सकता है इधर डेंसर इधर रेयर। सॉरी, तो ये क्या थी बेटा हमारी इंसिडेंट रे। अब अगला काम हमें क्या करना है, नॉर्मल। अगला काम क्या करना है? नॉर्मल वाला है। अब क्योंकि मीडियम दोनों साइड प्रेजेंट है तो नॉर्मल भी दोनों तरफ ही आएगा, ये नॉर्मल कोई दिखा रहा है। और अगली बात ये ध्यान रखनी है, हमने जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसी मीडियम का नॉर्मल और इंसिडेंट रे, जैसे इस मीडियम में है तो रे ये है नॉर्मल, ये तो एंगल ये आ जाएगा। जब इस मीडियम में आ जाएंगे तो नॉर्मल का ये पोर्शन नहीं, ये पोर्शन आपको लेना। क्लियर है? अब अगली बात आपको एक रूल बताते हैं, इसको याद रखने के लिए आप ये मान लो कि ये हमारे पास है बच्चा, क्लियर है? अब दो तरीके से याद रख सकते हो कि एक बच्चा था रेरर को मैं मान लेता हूं कि हमारे पास फ्री एनवायरनमेंट है, और डेंसर का मतलब एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट को, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में बच्चे को रखा जा रहा है। दो चीजें हैं, नॉर्मल एनवायरनमेंट और स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, ये रिलैक्स है और ये स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट। अब एक बच्चा था, आप सोच के देखो, मान लीजिए वो 10th क्लास तक एक नॉर्मल फ्री माहौल में स्टडी किया, ऐसे स्कूल में पढ़ा था पे फ्री माहौल में था। अब उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया 11th 12th में, तो वहां पे काफी बाउंडेशन होती है, रूल एंड रेगुलेशन होती है, तो बच्चा क्या गुमसुम हो जाता, दब जाता उस माहौल के अंदर। क्या बोला? बच्चा उस माहौल के अंदर दब जाता है। तो अब एक चीज पहले बात याद रखनी है डिफ्रैक्शन में, आप पहले वो चीज मेंशन करो कि जब अगर मीडियम में कोई भी चेंज ना आता तो क्या होता। तो मीडियम में अगर कोई भी चेंज नहीं आता तो ये जो लाइट है वो ऐसे ही चलती रहती, क्लियर है? यानी कि अगर बच्चा उसके माहौल में कोई चेंज नहीं आता तो जैसी लाइफ वो जी रहा वैसे ही जिएगा। एक एग्जांपल है बेटा, रिजल्ट बताऊंगा आपको क्या क्या काम करना है, बट उसके साथ आपके पास लॉजिक रह जाएगा कि आप भूल के गलती ना करो नहीं तो उल्टा कर दोगे। अब वो क्या होगा अगर दब गया? अब ये मान के चलो कि बच्चा ऐसे है तो दबना तो हम किसी चीज को ऐसे ही बोलते हैं, ये चीज ऐसे थी, इसको दबा दिया गया, टेंशन माहौल ने दबा दिया, तो दब के क्या होगी? ऊपर जाएगा नीचे, तो आंसर आता है कि नीचे की तरफ दबाव की वजह से चीज आती है, तो ये क्या हो जाएगा इस रीजन के बीच में। कहिए मत करना कि थोड़ा सा पूरा इसके मिडल में दिखाओ, तो ये क्या हो गई यहां आ जाएगी।
डिफ्रेक्टेड रे क्या हो गई, तो यहां से मैं रिजल्ट क्या मिला कि क्या यह रे ऐसे थी और बेंड होने के बाद किस तरफ चली गई, टुवर्ड द नॉर्मली चली गई बेटा। तो फर्स्ट रिजल्ट निकल के आ जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रिजल्ट आपको क्या याद रखना है, व्हेन ए रे ट्रेवल्स फ्रॉम इस तरफ बेंड हुई है, कैसे लिखते पूरा लिखा है, ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अभी आपको पता चल जाएगा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, कहां हो जाएगी ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्लियर है? अब इस चीज पे आ जाओ, ये थी हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या है हमारे पास नॉर्मल। क्लियर है? अब अगर कोई मीडियम में चेंज नहीं आता तो ये रे बिल्कुल सीधी चलती, यानी बच्चे को अगर लेके चले तो बच्चे का एनवायरमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, तो इस रीजन को फॉलो कर। पर अब क्या है कि पहले स्ट्रिक्ट माहौल में था, अब एक बच्चा ऐसे माहौल के अंदर आ गया कि उसको छूट मिल गई रिलैक्स माहौल में, तो आप लोगों ने देखा हो बच्चे को क्या लग जाती है, हवा लग जाती है, फिर तो बच्चा कहेगा कि आज तो मैं हवाओं में हूं। तो यही चीज है कि ये था तो ऐसे फॉलो कर रहा था, वो क्या करेगा हवा में उड़ने लगेगा, और ऐसे कोई चीज हवा में उड़ेगी तो हवा की वजह से क्या होती, वो ऊपर फॉलो नहीं होती, ये सुनो, तो क्या होगा हवा में उड़े। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब डेंसर से रेयरर जा रही है तो अब ये क्या हुआ बताना मेरे को एक बार, ये चीज नॉर्मल से दूर चली गई, कहां चली गई नॉर्मल से दूर चली गई, तो रेयरर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल और दूसरे वाले केस में अवे फ्रॉम। क्लियर है? अगर फिर भी आप याद नहीं रख पा रहे तो इस चीज को और रिलेट कर लो। सेकंड में एक मेथड तो आप माहौल की वजह से उड़ने वाला, फर्स्ट मेथड कौन सा है, हिंट फर्स्ट दबना और उड़ना। या हिंट सेकंड आप याद रख सकते हो फैमिली, वो देखो कैसे थोड़ा सा फिर सीख, कुछ बच्चे इसे कैच कर पाए ठीक है, अदरवाइज ये इतना टाइम क्यों लगा रहा बेटा, ताकि आप गड़बड़ ना करो। अगर गलती से गड़बड़ कर दी रेडर से टेंशन में आप ये चीज भूल गए, दो ही केस बनेंगे, एक में टुवर्ड द नॉर्मल एक में अवे फ्रॉम नॉर्मल, गलती से एक्सचेंज कर दिया तो आपके मार्क्स कट गए। और हम काम कर रहे हैं 100% मार्क्स पे, 27 out of 27, तो एक एक बात आपको ध्यान से समझ के माइंड में सेट करनी है। तो अगली बात आ जाओ, चलो पिछले वाले कंसेप्ट को छोड़ते हैं, ये चाइल्ड ये है फैमिली। आप लोगों ने देखा होगा कि रेयर से टेंशन माहौल में जब बच्चे को डाल दिया जाता है तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को डाल दो, स्ट्रिक्ट माहौल में, तो बच्चा क्या करेगा फैमिली को याद करने की कोशिश करता है, जैसे कोई फैमिली मेंबर आएगा कहेगा मम्मी पापा घर ले चलो, यानी फैमिली को याद करेगा फैमिली की तरफ आगे, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। और सेकंड वाले केस में अब उल्टा है, एक बच्चे को हॉस्टल का माहौल इतना अच्छा मिल गया कि फ्रेंड सर्कल मौज मस्ती पार्टी पढ़ाई नहीं गप्पे लड़ाने वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या होगा फैमिली को याद करेगा, गलती से भी नहीं क्या होगा फैमिली से दूर हट जाता उस केस में। तो दो केस आप लोगों को बताएं,
एक तो दबना या उड़ना या दूसरा, ये बेटर रहेगा। अगर डेंसर माहौल में तो फैमिली को याद करेगा, फाद वाला माहौल रेयर है तो फैमिली से दूर भाग जाएगा। तो इस बाद वाले माहौल को देख के हम डिसाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये आप लोग रफ में था, ये वाले इंटरप्ट में डायग्राम रफ में नहीं है। डायग्राम आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉ करो जब लाइट रेयर से डेंसर गई तो उसका पाथ क्या होगा, तो ऐसे आनी थी, इससे इस तरफ मुड़ गई, ये ऐसे जानी थी उस तरफ मुड़ गई। क्लियर है? तो इसका रिजल्ट ये लर्न करोगे। दूसरा व्हेन, तो ये हमारे पास रूल फर्स्ट हो गया। व्हेन ए रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन आप डिफ्रेक्शन की जरूरत नहीं है, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नोड। क्लियर है बेटा? अब अगला टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। बताइए ग्लास स्लैब कैसी होती है? हम लोग क्या माचिस देखते हैं, माचिस या कोई लकड़ी का बास टाइप यूज करते थे स्कूल टाइम में, तो उस टाइप के ग्लास का पीस होता है, ठीक है? तो वो क्या होती है, ग्लास स्लैब, यानी एक बोल सकते हो माचिस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा सा लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ा के थिकनेस उतनी रखी जाए, तो ग्लास की बनी हो तो ग्लास स्लैब का काम करेगी। तो वो क्या करा कि अगर ग्लास स्लैब में से लाइट को पास करवाए तो उनका रास्ता क्या होगा, वो आप लोगों से पूछेगा इस टॉपिक। तो मैं ग्लास स्लैब को जब ऊपर से देखते हैं तो मैं ऐसे देखने को मिलती है, ऐसे दिखेगी, ऐसे ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं। तो ये चीज ले हो ले सकते हैं, फर्स्ट ए बी सी डी। अब एक चीज बताओ, ये ग्लास स्लैब है तो यहां पे क्या होगी, ए एन, ये किसकी बनी हुई है, ग्लास, और वापस यहां पे क्या हो जाएगा। अब जब लाइट चलेगी तो एक पारी तो यहां एयर से ग्लास में, तो एक रिफ्रैक्शन यहां, और फिर वापस ग्लास से ट्रेवल करते हुए बाहर एयर में भी तो आएगी, तो दूसरा रिफ्रैक्शन यहां, तो यहां रिफ्रैक्शन दो बार होगा। तो मैंने ये मान लिया इंसिडेंट। आप लोगों को अभी क्या बात ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखोगे कि आप ग्लास स्लैब बनाओ, इसके आधा पार्ट ले लिया, उस आधा पार्ट के बीच से में जजमेंट करनी है, बस आईडिया से इसके बीच में ये रे डालनी है कहीं पे। क्लियर? अब अगला काम क्या करना बेटा, आप लोगों को रूल बता रखा है, पहला काम क्या करेंगे, नॉर्मल इस नॉर्मल को मैं बड़ा नहीं लिख रहा, एन वन से लिख देता हूं, ये भी क्या होगा एन वन। फिर अगला काम क्या करना है, आपको वो रास्ता बनाना है कि अगर मीडियम में चेंज ना आता तो ये लाइट बिल्कुल सीधी होते होते ऐसे चली जाती। ये वाला काम आप स्केल के हेल्प से भी कर सकते हो, यहां सीधा स्केल रख के इस लाइन को ऐसे बना सकते हो। क्लियर है? अब बात करता हूं मैं, ये एयर है, कैसा मीडियम है, रेयर, और ये कैसा है,
डेंसर, और इन दोनों के कंपैरिजन में ये डेंसर और ये कैसा है रेयरर। तो फर्स्ट वाला केस क्या हुआ, रेयरर से डेंसर वाला। तो लाइट जब ऐसे आ रही थी तो हमने क्या पढ़ रखा, जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो दब जाती है, ये फैमिली की तरफ जाती है, तो ये हमारी फैमिली तो किस तरफ मुड़ जाएगी, इन दोनों के बीच में भी आप कहीं पे भी इसको ऐसे टर्न करवा लें, यहां से क्या होगी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, तो इन दोनों के बीच में भी इसको क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। चीज समझ गए होगे बेटा, अगर डाउट रहता तो एक बार वीडियो को आप पीछे प्ले करके दोबारा देखें। अब पहुंच गई है यहां तक सीधी, अब फिर से क्या हो रहा है, मीडियम बदल रहा है, डेंसर से रेयरर में आ रही है। फिर अगला काम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे दूसरा नॉर्मल बनाएंगे इस सरफेस पे, तो ये N2 और ये N2। क्लियर? इसका एंगल फर्स्ट का एंगल ये हो गया, आइए सेकंड के लिए ये। अब दूसरी बात, अब ये किस तरफ जा रही है, अगर यहां मीडियम में चेंज ना आता तो ये बिल्कुल सीधी निकलती, बट क्या हो रहा है, मीडियम तो हमारा क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा सा एंटी डाउन हो रहा है, N2 N2 मीडियम तो चेंज हो गया, तो ये अब केस कौन सा बन रहा है, डेंसर से रेयरर। अब इसकी फैमिली ये है, तो बच्चा इस केस में क्या करता है, जब डेंसर से रेयरर लास्ट में जब उसको खुला एनवायरनमेंट मिलता है तो फैमिली से दूर भाग जाता है। क्लियर? और अब इतना दूर भागेगा कि जो ये लाइट आएगी, जो पहले वाली सीधी लाइन खींची है उसी की डायरेक्शन में या उसके पैरेलल जाती है, तो ये लाइट आपको बिल्कुल इसके पैरेलल चलाना, थोड़ा सा स्केल के हेल्प से कर लेना बेटा, सीधा मार्कर पे थोड़ी सी वो हो रही है, तो ये लाइट बिल्कुल क्या आ जाएगी इसकी पैरेलल। एक बार खराब हो गया हो जाएगी, तो ये है बेटा। क्लियर है? तो ये इंसिडेंट रे, इस वाली रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और एक चीज जो सबसे लास्ट में निकल के आती है, इसको नाम देते हैं एमर्जेंट रे, यहां पे नाम लिख भी देता हूं, डाल रे विच फाइनली कम्स आउट। यानी जो फाइनल रे होती है उसको हम एमर्जेंट रे बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को समझ आ गया, अगर कोई डाउट है तो दोबारा से पीछे देखें, अगर फिर भी डाउट रहता तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब इसको लिखते हैं, अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं बेटा, एन एन ओ पी। लेट ए रे एम एन इट्स इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑफ द ग्लास स्लैब। यहां पे क्या कर रही है, हियर It is traveling from, it is traveling from A to B, sorry, A to B लिखने की जरूरत नहीं, A to B नहीं, क्या था, rarer to denser, bracket में लिख भी दो, rarer क्या, air, air कैसा, rarer to glass, जो कि डेंसर। सो इट विल बेंड टुवर्ड
नॉर्मल एन वन एंड ट्रेवल्स अलोंग एन, इसके साथ ट्रेवल करती है एन को. नाउ NO falls on surface CD where it is traveling from glass. Glass kaisa medium hai? Denser to air. Jo ki hamara rarer medium. So it will bends. अब क्या हो रहा है? Toward या away? अब इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले केस में तो ये अंदर की तरफ आई, तो इस वाले में बाहर की तरफ. तो toward away ये arrow बनाने की जरूरत नहीं है. Bends away from normal end and finally goes along. Clear बेटा? अब अगली चीज, रिजल्ट क्या निकला? आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? ये तो फाइनल रे रिफ्रैक्ट होने के बाद, यानी ग्लास स्लैब में से पास होने के बाद चली थी ऐसे, यानी उस डायरेक्शन में, और जा अब भी उसी डायरेक्शन में रही है, बट अपने रास्ते से थोड़ा सा साइड वाइज डिस्प्लेस हो गई. क्या हो गई है? ऐसे जा रही थी, इस तरफ डिस्प्लेस हो गई है. कितना डिस्प्लेस हो गई है? इतना. क्लियर है? और इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेस हुई है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और साइड वाइज हुई है तो साइड वाइज. क्लियर है? तो वी सी दैट ए रे आफ्टर पासिंग through a glass slab goes in same direction but it is laterally displaced. लेटरली का मतलब साइड वाइज, यानी एक उस बच्चे की तरह काम करती है जैसे सुबह प्रेयर के अंदर हम क्या क्लास से निकलते हैं और हमारा इतनी गहन मित्रता होती है, इतना क्लोज फ्रेंड होता है कि एक हमारे से बात करने के लिए लाइन को तोड़ के हमारे साथ साथ पीछे से चलना स्टार्ट कर देता है. तो ये वो केस जस्ट एक एग्जांपल है, आपको ये टॉपिक पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन करना. क्लियर है? अब इसकी एप्लीकेशन पूछ सकता है बेटा वन मार्क्स में, कि बता दे कि आपको उस प्रोसेस का नाम बताओ कि जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो फर्स्ट केस हम देखते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर एक हम गिलास के अंदर पेंसिल को आधा डुबो देते हैं तो कहां वो डूबी हुई वाटर सरफेस के पास से मुड़ी हुई दिखती है, तो किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से. दूसरा केस आप देख सकते हो कि अगर एक पानी की टंकी है, एक तालाब है, वो अपनी एक्चुअल डेप्थ से कम गहरा दिखाई देता है. तो एक चीज ध्यान रखना स्पेशली, अगर किसी बच्चे को तैरना नहीं आता तो इस भ्रम में ना रहे
ये कम गहरा हो ज्यादा गहरा हो सकता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, उसकी डेप्थ कम दिखाई देती है, तो प्लीज बी केयरफुल। और तीसरी चीज हम लोग ले सकते हैं कि अगर पानी के अंदर कोई चीज डाल दे, कोई कॉइन डाल दे या कोई भी चीज डाल दी, वो हमें ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है, तो इन सभी प्रोसेस में कौन सा फिनोमिना है? रिफ्लेक्शन। तो हम लिख लेते हैं पार्टली, यही लिख लेते हैं, पेंसिल पेन या कोई स्टिक भी करके पूछ सकता है, पार्शियली मतलब आता, या पार्टली भी लिख सकते हैं, इमर्ज डूबा हुआ, इमर्ज का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ। इन वाटर appears painted at the water surface. किसकी वजह से? Due to reflection. सेकेंड केस, एन ऑब्जेक्ट डिप इन वाटर अपीयर्स टू बी रेस्ट, ये भी किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा, ए वाटर टैंक अपीयर्स लेस डीप, कैसा दिखाई देता है? लेस डीप ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इतना सारा बेटा हमने जो है रिफ्रैक्शन के बारे में अब तक पढ़ा, तो अगली क्लास में जब भी हम मिले तो अब तक का जितना भी काम हुआ रिफ्रैक्शन का, वो आप लोग कंप्लीट रिवाइज करें, ताकि पीछे की चीजें रिवीजन से स्ट्रॉन्ग होती हैं, और आपको जैसे ही अगली क्लास पढ़े तो आपको बिल्कुल सेकेंडों में वो कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाए, तो इसी वजह से आप उसका रिवीजन करें, मेहनत करें, और अगली क्लास में हम एक बार ये कंप्लीट हो जाए, न्यूमेरिकल पोर्शन भी बचा हुआ है, तो फिर न्यूमेरिकल पोर्शंस में भी इसलिए नहीं उठा रहा कि एक बार मुझे उसके असाइनमेंट बनाने पड़े, क्योंकि अभी सभी बच्चों के पास बुक नहीं अवेलेबल है, तो साथ साथ मैं सोच रहा हूँ असाइनमेंट बना के एक PDF या वीडियो की फॉर्म में, फिर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।